तुम्हारी तेरा दिमाग खराब है क्या? टाइलर नहीं। ओह माफ करना, मुझे नींद आ गई थी जरा सी। चुपचाप हमारे घर से निकल जा, समझा? टाइलर शांत हो जाओ, आखिर ये मेरा घर है, वो भी एक इंसान है। ये सोसाइटी के बदबूदार लोग हैं, चल निकल यहाँ से। टीना चलो चलें। अरे वो कहाँ है? टीना ये सब क्या है? क्या बात कर रहे हो? तुमने मुझे एक महीने से कोई गिफ्ट नहीं दिए। मैंने परसों तुम्हारे लिए घड़ी खरीदी थी। मैं तुम्हारे पापा की कंपनी में 2 महीने से इंटर्नशिप कर रहा हूँ और तुमने अभी तक उनसे मेरे प्रमोशन की बात तक नहीं की। हाँ आखिर क्यों? लेकिन टाइलर तुम केवल 16 साल के हो, पापा अभी तुम्हें प्रमोट नहीं कर सकते। तुम हर बार बहाने ढूंढती हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बेशक मुझे तुमसे प्यार है टाइलर, मैं वादा करती हूँ पापा से बात करूंगी। रुको, ईवा कौन है? कोई नहीं है, ये कोई नहीं है। फिर उसने आई मिस यू मैसेज क्यों किया और दिल भी भेजा? रॉन्ग नंबर लग गया होगा, अभी बताता हूँ उसे मैं। हे देखो, मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे आज के बाद मैसेज मत करना, समझी? बस एक अजनबी लड़की थी और कोई नहीं। माफ कर दो, मुझे जलन हो रही थी। मैं दरवाजा खोलने जाती हूँ। पकड़ा ही गया था, अब ईवा भी गुस्सा हो गई होगी। ईवा मेरी जान, ये जो भी लड़की थी इसने मुझे ऐसा कहने को कहा। हेलो डार्लिंग, कौन है? यो, ये स्मेल कैसी है? हेलो मैम साहब। कौन है तू, क्या चाहिए? वो शायद मैं यहाँ पर कुछ भूल गया हूँ, वो शायद वो मैं अपना। हैरी, भगाओ इसे। अरे चल रे, निकल यहाँ से। मगर आपके पास मेरा सामान हो सकता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हो रहा है? एक भिखारी ने हमारे घर पर हमला किया है, कह रहे हैं हमने इसका सब कुछ ले लिया। रुक, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। रुको, मुझे पता है वो क्या ढूंढ रहा है। लो, मैं घर ले आई कि कोई चुरा ना ले। शुक्रिया, इसमें मेरा खाना था साल भर का। ओ, तुम्हें भूख लगी है, जरा रुको। ठीक है, मुझे और खाना इकट्ठा करना है। टीना क्या कर रही हो तुम? गरीब के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ। टीना रुको, अगली बार दिखा तो छोड़ूंगा नहीं। मैं वापस आ गई, ये ज्यादा नहीं है लेकिन। टीना, ये क्या है? वो हमारा डिनर एक भिखारी को देना चाहती है। ऐसा नहीं होगा, समझी? पापा जाने दो। तुम्हें उसे देना है ना? लो, अब खड़ा क्या है, निकल यहाँ से चल। पापा क्यों? तुम्हारा शुक्रिया टीना। चल निकल। हाय हाय हाय, अब तो टीना को नहलाना पड़ेगा। पर क्योंकि क्यों? तुमने उसका गंदा सा थैला छुआ था। और टीना अपने हाथों को स्प्रे करना। एक काम करो, 2 बार और स्प्रे कर दो। मैं अपने मम्मी पापा की सनक से बहुत परेशान हूँ। तुम अच्छे से साफ सुथरी हो गई हो कि नहीं? हाँ। क्या तुमने 4 बार शावर लिया? हाँ, मैं जाऊँ, टाइलर इंतजार कर रहा है। हम लोग को उसी के बारे में बात करनी थी। अब तुम टाइलर के साथ बाहर नहीं जा सकती हो। क्या? लेकिन क्यों? वो पैसे वाला नहीं है। लेकिन जब आपने उसे इंटर्न के काम पर रखा था, आपने खुद कहा था वो स्मार्ट और होनहार है। हाँ तो वो लड़का केवल नौकरी करता है और नौकरी केवल नौकर का काम है, नौकरी से अच्छा होता है खुद का बिजनेस। मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, मेरे लिए आप क्यों तय करते हैं? हेलो टीना। हेलो, तुम फिर से? मेरे मम्मी पापा के लिए सॉरी, वे थोड़े ज्यादा ही अमीर है। ओह, मुझे माफ कर दो। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया क्या? मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में क्या? वो मैंने उसके बारे में कुछ देखा अभी। मुझे बताओ। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो। बस बोलो। ठीक है, मैं हमेशा की तरह कचरे में कुछ ढूंढ रहा था और तभी। हेलो डार्लिंग।
उस बेवकूफ टीना के साथ चीजें कैसी चल रही हैं? हाँ, उसने मुझे अपने पापा से लगभग प्रमोशन करवा ही दिया है। क्या इसका मतलब तुम्हारी सैलरी बड़ी होगी और तुम मेरे लिए बड़े बड़े गिफ्ट भी खरीद सकते हो? हाँ बेशक हीवा। स्कूल ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैं मिस्टर हैरी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, फिर वो मुझे नौकरी से नहीं निकाल पाएंगे। और आखिर में तुम टीना को छोड़ सकते हो और मेरे साथ रह सकते हो। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। वहाँ पर यही हुआ था। ईवा, ये तो वही लड़की है जो टाइलर को मैसेज भेज रही थी। वो मेरा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। क्या मैं तुम्हें घर पर छोड़कर आ जाऊं? नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को नहीं देखना चाहती। वैसे मैंने एक नए गैराज में घर बनाया है, मैं तुम्हें वहाँ इनवाइट कर सकता हूँ, लेकिन शायद तुम्हें वो गंदी सी जगह पसंद नहीं आएगी। मेरे मम्मी पापा से बेहतर कॉकरोच वाला कूड़ेदार है। चलो चलो फिर। ये रहा मेरा छोटा सा घर। इस गैराज के ओनर्स यूरोप में गए हैं, तो यहाँ पर शायद कुछ वक्त के लिए सही रह सकता हूँ मैं। अरे बाप रे, माफ करना तुम। हाँ, ये एक मिनट। हाँ, ये अब नहीं निकलेगा। हाँ, हो गया, अब तुम यहाँ आराम से बैठ सकती हो टीना। टाइलर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? देखो, टाइलर एक नंबर का बेवकूफ है, वरना इतनी प्यारी लड़की को कोई कैसे छोड़ सकता है। वाकई तुम तो एकदम प्यारी सी एक राजकुमारी की तरह लगती हो टीना। शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? मेरा नाम जैक है। मिलकर अच्छा लगा जैक। मैं टीना। अभी तो बताया मैंने मुझे तुम्हारा नाम। अच्छा, वैसे तुम जब तक चाहो तुम यहाँ पर मेरे साथ रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम मेरे इस बेड पर सो सकती हो और मैं जमीन पर सो जाऊंगा, ठीक है? तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो? तुमने मेरी मदद की है टीना, और वैसे भी और हमेशा से ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। मैंने हमेशा तुम्हारे जैसे लड़की का सपना देखा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें डेटिंग करते हुए एक साल हो गया। और इस ओकेशन के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इसमें क्या है? वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। ये खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। शानदार, तुम बेस्ट हो। टाइलर। मिस्टर हैरी, हम बस वो मेरी आंख में कुछ चला गया था। हाँ, मैं इसकी मदद कर रहा था। और ये मेरी बहन है, कजन सिस्टर, चाचे की बेटी। बहन है तो क्या मैं आरती उतारू? बता मेरी बेटी कहाँ है? टीना, क्या वो गायब हो गई? अबे वो भूतनी है क्या जो गायब हो गई? तुझसे मिलने आई थी ना वो? नहीं, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। सुबह से? तो मेरी बेटी कहाँ है फिर? किसी ने किडनैप तो नहीं किया? अभी पता करते हैं। मैंने उसके फोन में एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया है जिससे पता लग जाएगा कि वो कहाँ है। चिंता मत करिए। क्यों, तो सीआईडी से है क्या? क्योंकि अगर वो इस तरह खो गई तो देखिए ये काम आया, देखो। हाँ सही है, उसे पता नहीं चलेगा कि टायलर उसे धोखा दे रहा है। लो, मिल गए। क्या बात है, चल फिर दिखा कहाँ है। ये लोटीना, खाना तैयार है। वैसे तुम्हारे हिसाब से अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। टेस्टी लग रहा है, कुछ टच दो और ये रेस्टोरेंट जैसा हो जाएगा। वाह। ये तैयार है, अब हम इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर ले सकते हैं। अरे वाह टीना, तुम तो बहुत ही कूल हो। मैं तो डर रहा था कि तुम ये सब देखकर कहीं यहाँ से भाग ना जाओ। बिल्कुल नहीं, गैरेज में रहना काफी अलग है, जरूरी ये है कि हम साथ हैं। ठीक है तो फिर चलो खाना खा लेते हैं ना। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो वो बर्तन धोने जा रहा हूँ। क्या मतलब हाथों से? इसके लिए हमारे पास स्पेशल मशीन है। लेकिन मैं तो गरीब हूँ ना। क्या मैं करूँ? क्या सच में? लो फिर करो। क्या?
कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। हाँ तुम करो और मैं नहा लेती हूँ। देखो बात ऐसी है ना कि मेरे पास बाथरूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नदी है। एक नदी? ये बिल्कुल पूल जैसा है, मुझे पूल पसंद है। तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं खुद ढूंढ लूंगी, तुम बस बर्तन धो लो। ठीक है। गरीब की लाइफ कमाल होती है, शावर की बजाय पूरी नदी। मेरी पापा टाइलर, चलो अब घर चलो। नहीं, मेरा घर अब यहाँ है। यहाँ सड़क पे? बहाने मारना बंद करो, चलो। मेरी प्यारी बेटी, हाय मेरी जान, ये कैसे सहा मेरी बेटी। पापा मुझे मेरे प्यार से दूर ले आए, क्या आप उनसे बात करोगी? क्या, अरे कौन से प्यार से? मुझे तो लगा था कि उस भिखारी ने तुम्हें किडनैप कर लिया है। नहीं, मुझे उससे प्यार है, वो मेरी किस्मत है। कितना भयानक भयानक सपना है, मेरी बेटी को एक भिखारी बेघर से प्यार हो गया है। हाँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं सब समझ गई, तुम बीमार हो और तुम घर के अंदर बंद रहोगी, समझी? हम डॉक्टर को बुलाएंगे। नहीं माँ, माँ खोलो। टीना, टीना, मेरी टीना, वो लोग उसे उठा कर ले गए हैं। टीना, कहाँ पर हो तुम? टीना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लौट आ। अबे तू फिर आ गया, रुक दे तो। ओए चोमू कहीं के, मैंने तुझे कहा था ना इस घर के आसपास नहीं आना, फिर क्यों आया? मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम टीना से प्यार नहीं करते। तेरा इससे कोई लेना देना नहीं होती है। आज तो तेरी बैंड बजा दूंगा। टाइलर, मिस्टर हैरी, आप चिंता मत करिए, मैं इस भिखारी को संभाल लूंगा। नौकरी करता लेकिन ठीक है लड़का। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं खाना नहीं चाहती। तुम्हें खाना चाहिए ना मेरी बेटी। और हम लोगों ने कुछ अच्छा सोचा है जो कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। आप लोग सच्ची मुझे जैक को डेट करने दोगे? बैठ जाओ, हम सब बताते हैं। और आगे की बात हो, उससे पहले तुम कुछ खा तो लो, तुमने कितने दिन से कुछ खाया ही नहीं है। ठीक है। अच्छा अब बताओ। देखो दरअसल हमें तुम्हारी बॉयफ्रेंड से कोई आपत्ति नहीं है। वाकई? ये तो मैं जैक को अभी बुला लूंगी। ए, क्या? जैक कौन है? टाइलर की बात कर रहे हैं हम। क्या? मुझे पसंद नहीं था कि वो नौकरी करता है, लेकिन कुछ बातें उसकी बहुत अच्छी है तो। और वो एक भिखारी से बेहतर है। आप मजाक कर रहे हो, टाइलर मुझे धोखा दे रहा है, वो सिर्फ आपकी कंपनी में पोजीशन पाने के लिए मुझे डेट कर रहा है। क्या, उसकी इतनी हिम्मत? अभी के अभी निकालता हूँ उसको नौकरी से मैं। और जैक के बारे में क्या? और उस भिखारी के बारे में सोचना बंद करो। डार्लिंग, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे सोने का नाटक मत करो। देखो कितनी क्यूट ड्रेस है। अरे लगता है सच में सो रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं ड्रेस को यही छोड़ के जाती हूँ। कपड़े, वो सोचती है कपड़े प्यार की जगह ले सकते हैं। माँ ने दरवाजा बंद नहीं किया, मेरे पास मौका है। मेरी प्यारी टीना, मेरी जाने मन, उन्होंने मुझे उससे अलग किया भी कैसे? जैक? हाँ? क्या मजाक है, हर जगह उसी की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? जैक, हाँ? ये मैं ही हूँ। टीना तुम आ गई। टीना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। टीना, मैंने भी। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गई होगी। मम्मी पापा ने मुझे बंद कर दिया था, लेकिन मैं भाग आई तुम्हारे पास। मुझे खुशी है तुम आ गई। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, लेकिन हम इसके पैसे कैसे देंगे? मेरे पास एक रुपया नहीं है। चिंता मत करो, पैसे मैं दूंगी। अरे मिठाई कहाँ है? वेटर, फिक्र मत करो, मैं जाकर लेके आता हूँ, मैनेजर से भी मिल लूंगा इसी बार। ठीक है। यहाँ हो तुम बेवकूफ? तुम क्या चाहते हो टाइलर? ब्रेकअप हो गया है। क्या कहा? और मुझे बताने का नहीं सोचा? और तुम्हारे पापा ने मुझे क्यों निकाला, बताओ? ईवा के साथ मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। ओ, धोखा? ईवा तुमसे 100 गुना अच्छी है हर चीज में। टीना ये लो तुम्हारा डेजर्ट।
तो तुमने सच में चंपक लाल को चुना? चले जाओ टायलर, जैक सच में मुझसे प्यार करता है, तुम्हारे जैसा नहीं। खैर बहुत बढ़िया, घोड़े दान में हैप्पी फैमिली। टीना आखिर तुम यहाँ हो बेस्टी, मैंने भी तुम्हें मिस किया। तो जरूरी क्या मामला है? दिखाती हूँ। जैक अंदर आओ। हाय। हाय। ये भिखारी कौन है, तुमने इसे पालने का सोचा? नहीं। समझ गई। क्या? रुको रुको, तुम कपल हो? हाँ, और जैक को बदलने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं समझी नहीं। जैसा कि टीना ने बताया, उसके पेरेंट्स को एक अमीर दामाद चाहिए, तो टीना मुझे एक अमीर दामाद बना देगी। माँ और पापा उसे पहचान नहीं पाएंगे। ओह, तो तुम चाहती हो कि मैं इस भिखारी को मैं हैंडसम बनाऊं, ऐसा? ओके, नो प्रॉब्लम, तो शुरू करते हैं फ्यूचर टाइकून। बाय टीना। देखो लगता है काफी होगा। हाँ, ये क्या अकेले मेरे लिए है? हाँ, हमें तुम्हें धोना है, मैनिक्योर कराना है, बाल संवारने हैं। मैनिक्योर? अरे मैं तो इसको दांत से ही काट लेता हूँ। जी ऐसा मत कर, वो गंदे हैं। क्या बात कर रही हो तुम, इसमें पुराना खाना भी होता है। ठीक है, नहाने से शुरू करें फिर। तो क्या तुम सच में इस भिखारी के प्यार में हो? मुझे समझाने की कोशिश और बेवकूफ बोलने की हिम्मत मत करना। मैं ऐसा नहीं सोच रही, सपोर्ट करूंगी चाहे कुछ भी हो, जरूरी बात है तुम खुश हो। शुक्रिया। कौन है, अंदर आओ। गुड डे एरियल, क्या तुम्हारे मम्मी पापा घर पर हैं? हेलो मिसेस सिंडी। नहीं, वो एक्चुअली ना बिजनेस ट्रिप पर हैं। अच्छा, फिर मैं ये तुमसे कैसे वसूलूंगी? मैं तुम्हारे घर का किराया दोगुना कर रही हूँ। क्या? लेकिन हमारे पास इतना किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो फिर घर खाली करना होगा। तो सिंडी अब तुम्हारा क्या ख्याल है? वाह। हाँ जज, तुम यहाँ कैसे? बस टहलते टहलते आ गया यहाँ पर। तो क्या सच में तुम इसकी फैमिली पर रेंट बढ़ाना चाहती हो? तुम्हारे पति को तुम्हारी रंग रलियाँ पता चल जाएगी, इसका डर नहीं है? ये सब तो मजाक था, किराया नहीं बढ़ रहा है। तुम्हारा दिल अच्छा हो एरियल। तुम उसे कैसे जानती हो? वैसे कचरे में तो काफी सारे राज दफन होते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? वाह, शुक्रिया जज, तुमने मुझे सिंडी से बचाया। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी अच्छी दोस्त की मदद ना करूं। तुम कमाल लग रहे हो, मैं मुश्किल से तुम्हें पहचान पाई। तो तुम्हारे मम्मी पापा बिल्कुल भी शक नहीं करेंगे। आखिर हमारे बेटे ने एक बेकारी बेघर को क्यों चुना? अरे तुम परेशान होना बंद करो, अभी वो बच्ची है, जब वो बड़ी होगी तब वो अपने आप अच्छे आदमी को चुन लेगी। अरे जब तक उसका दिमाग ठीक होगा सारे अमीर लड़कों की शादी हो जाएगी। देखो मेरी नजर में एक अमीर लड़का है और वो पसंद करता है हमारी बेटी को और बात करना चाहता है। सच में? तो हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। माँ पापा मैं वापस आ गई और मैं आपको अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ। अरे बाप रे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्या बात है बेटी, तुम एक अमीर लड़के को घर ले आई। हेलो सर, मेरा नाम जैक है। मैं हूँ हैरी और ये है मेरी पत्नी मिस किटी। मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं समझा कि टीना इतनी खूबसूरत क्यों है। ये तो कितना प्यारा है। एक मिनट, वो भिखारी का नाम भी तो जैक ही था ना, है ना? तो क्या हुआ? सिर्फ नाम एक है, आपको पता है दुनिया में कितने जैक है। मैं कितनी खुश हूँ, मेरी टीना का अमीर बॉयफ्रेंड है। हाँ लेकिन अब नेट का क्या, मैंने उससे वादा किया था कि मैं अपनी बेटी को मिलवाऊंगा उससे। हम जैक को वहाँ बुला लेते हैं और देखेंगे कि हमारी बेटी के लिए बेस्ट लड़का कौन है। आप सीरियस हो? मैंने पहले ही जैक को चुन लिया है। टीना फिक्र मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स को नेट से ज्यादा मैं ही पसंद आऊंगा, देखना। अरे वाह, ये तो कॉन्फिडेंट भी है। तो तय हुआ, 6 बजे हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे और वहीं चुन लेंगे कि टीना के लिए कौन बेस्ट है। ये अच्छा है कि अब मुझे उस पकाओ टीना को डेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ। तुम्हें तुम्हारी इंटर्नशिप से निकाल दिया गया और तुम मेरे लिए अब गिफ्ट भी नहीं खरीद सकते। बेबी थोड़ा और सब्र रखो, मुझे पहले इससे कहीं ज्यादा अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिली है।
और तुम्हारे पास और भी पैसे होंगे। बढ़िया, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। और हाँ, आई लव यू सो मच, क्यों ना रेस्टोरेंट में चले। टीना के पापा ने मुझसे कार नहीं ली। बढ़िया, हम कार ड्राइव करेंगे। कार कहाँ है? ये तो सिकुड़ गई है। ये क्या बकवास है, ये तो एक खिलौना है। अरे हैरी ने कार वापस ले ली क्योंकि वो कंपनी के पैसों से ली गई थी। ओह, इंटर्नशिप से कॉल है। हेलो, हाँ, क्या मतलब इंटर्नशिप के लिए सुटेबल नहीं हूँ? क्या मुझे इंटर्नशिप के लिए नहीं बुलाओगे? हेलो हेलो, वो तुम्हें इंटर्नशिप के लिए नहीं चाहते और तुम्हारे पास कार भी नहीं है। हाँ, ये बस टेम्पररी है, मैं वहाँ जाके बात करूँगा। और क्या तुम मुझे बस के लिए किराया दे दोगी? क्या नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हमारा ब्रेकअप, गुड बाय। आदत, ये सब टीना की वजह से हुआ है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसे बदला लूंगा। हाँ तो भाई, तुम्हारे बिजनेस का क्या हाल है? वैसे ये मेरा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे परिवार का हो। वैसे बताओ कितना कितना कितना। कमाल है, उनका परिवार तो हमसे 10 गुना अमीर है। सभी को हेलो। लो देखो, आ गई मेरी नन्ही परी टीना, मेरी बच्ची। लो मिलो नेट से। तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। तुम्हारा जैक कहाँ है? वो थोड़ा लेट है। ये तो बुरा हुआ, देखो नेट तो टाइम पर आ गया था। हाँ तो हम लोगों ने तय किया है कि नेट हमारी टीना के लिए बेस्ट है। आप मजाक कर रहे हो, मैं जैक से प्यार करती हूँ समझे। मुझे ये बेवकूफ अमीर लड़का नहीं पसंद। तेरी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की? तुमने सुना नहीं? हाँ तुम मूर्ख हो और तुम्हें सब कुछ 2 बार सुनने की जरूरत है। तुम सच में बहुत पछताने वाली हो। मेरे मम्मी पापा तुम्हारी कंपनी बड़े ही आराम से खरीद लेंगे, समझी? तू अब गई। ऐसी धमकी से कौन डरता है? टीना का जो बॉयफ्रेंड है ना, वो भी भयंकर अमीर है, है ना टीना? आपने कहा रिच बॉयफ्रेंड। अरे नहीं। तुम टीना के अमीर बॉयफ्रेंड और भिखारी की फोटो क्यों लेकर आए हो? गौर से देखिए, क्या आपको इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा? ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। टीना! हाँ, मैंने ही बेघर जैक को अच्छे कपड़े पहनाए ताकि आप मुझे उसे डेट करने दे। अब तुझे कोई भी नहीं बचाने वाला, लूजर। अब तेरा छोटा सा परिवार समझो गया, जाके कूड़ेदान में जगह ले लो। अरे नहीं, मैं कूड़ेदान में नहीं रहना चाहती। अरे कुछ तो करो ना। हम लोग गए काम से, ये नेट बहुत पैसे वाला है, ये लोग हमारी कंपनी खरीद कर हमें भिखारी बना देंगे। मैंने क्या कर डाला, मुझे सब ठीक करना होगा। नेट रुको, रुक जाओ। अब तुम्हें क्या चाहिए? बुरे बर्ताव के लिए सॉरी, मेरा बस मूड खराब था। क्या हुआ, अब जब तुम्हें पता चल गया कि तुम बेघर हो सकते हो तो तुम्हारा मन बदल गया? ये सब पहले सोचना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मम्मी पापा दिवालियापन से नहीं बचेंगे। ये तो अब सिर्फ और सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अब क्या करने वाली हो। जो भी तुम चाहो, मैं नहीं चाहती मम्मी पापा को मेरी वजह से तकलीफ हो। तुम मेरे पिछवाड़े को किस कर सकती हो? क्या एक बार में समझ नहीं आता क्या? मेरी टीना को ऐसे ट्रीट करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई साले? जैक, अबे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं अपनी टीना से मिलने आया हूँ और तू जैसे गधे के एक ही पंच में दांत तोड़ने आया हूँ। ये तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं था। मैं तो सच में नहीं जानता था कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो। मुझे सच में माफ कर देना, मैं अब से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं हैरान हूँ, जैक वो तुमसे डर के भाग क्यों गया? तुम कौन हो असल में? मैं तो जैक हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। भूल गई क्या टीना? मैं सीरियस हूँ। अब वक्त आ गया, मैं यंगेस्ट वीडियो गेम डेवलपर हूँ टीना। तुम वो जैक हो, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है, तुम फोर्ब्स में 3rd नंबर पर हो। मैंने तुम्हें पहचाना कैसे नहीं, तुम बेघर होने का नाटक क्यों कर रहे थे? मैं इन अमीर गधों के साथ दिखावा कर करके बहुत बोर हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं होमलेस की तरह रहता हूँ तो मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। और फिर मैं तुमसे मिला और मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बेघर आदमी या गेम डेवलपर।
जज, तुम आखिर वापस आ गए हो। जब तुम गायब हुए थे तो हम सब बहुत परेशान थे। हाँ बिल्कुल, मैं एक शांति भरी छुट्टी चाहता था और ऐसे मैंने कुछ नया ट्राई किया होमलेस बनकर। और फिर मैं गड्डी लेके निकला ये था कि फिर एक मोड़ आया, मैं उत्ते दिल छोड़ आया। हमारी बेटी बेस्ट है। हमें हमेशा से मालूम था कि इसका पति बहुत अच्छा होगा। पापा अभी वो मंगेतर नहीं है। क्या लेकिन तुम्हारी सगाई नहीं हुई? नहीं, पहले हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे ना। हाँ, ये हमारे सबसे कम उम्र के वीडियो गेम डेवलपर जैक की वापसी है। हमारे शो में फिर मिलेंगे आप सब। आने के लिए फिर से शुक्रिया, बाय बाय। हम लोग तुम्हारा कार में वेट कर रहे हैं, ठीक है? शायद मम्मी पापा को धोखा देना चाहिए। क्या सच में टीना? अब चलो भी निकलो यहाँ से, इंटरव्यू खत्म हो चुका है पहले ही। टाइलर? हाँ तो क्या, तुम चौकीदार हो? लगता है टाइलर को वो मिल ही गया जिसका हमेशा से वो हकदार था। चलो टीना। हमने वीडियो शूट किया, बताओ किसका? होमलेस जैक। और खुद बेघर होने का फैसला किया और इस वाइब को महसूस करें। खैर हाँ बिल्कुल, अपने कमेंट्स पढ़ो और पिज्जा खाओ। हाँ हाँ, उठाओ पिज्जा, खाने की चीज है। क्यों नहीं ले रहे हो? खाने को तो मैं मना नहीं करता, इसलिए दो पीस ले रहा हूँ। पहले कमेंट को पढ़ा जाएगा। कौन? देखना मैं दो बार खाऊंगा। तो चलो मैं टिप्पणी से शुरुआत करूंगी। हैप्पी बर्थडे सिंडी, मुझे उम्मीद है आपका बर्थडे बहुत अच्छा रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने लिखा है। लेकिन चलो 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 बस। तो तुम्हें पता तुमने कैसे जश्न मनाया, क्या किया? मेरा सेलिब्रेशन अच्छा रहा। हाँ तो मैं पेंट बॉल खेलने गई थी। वैसे मेरे साथ क्रिस भी था, तो हम गए थे पेंट बॉल खेलने। वहाँ पर तो बस तुम दोनों, वो भी था साथ, तो हमने पेंट बॉल खेला। और ये बॉल्स, ओह शूट करो। ओए होए, हम इतना ज्यादा लड़े हैं, हर कोई वहाँ पे फ्यू फ्यू कर रहा था। और उस पेंट बॉल से मेरे पैर पे यहाँ लगी। उसने मुझ पर ऐसे निशाना साधा, फिर मैं पूरी तरह वहीं पर जख्मी हो गई। असली गन होती तो क्या होता? बिल्कुल, फिर मैंने भी उसे मारा। अरे वाह, तो ये दूसरा कमेंट है जो मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है कि क्रेजी घर की सबसे बेकार बात ये लगती है कि ये वीडियोस जल्द खत्म हो जाते हैं। मुझे ऐसा होता है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है, जैसे ये खत्म होता है हम लोग दूसरा शुरू करते हैं, उसके बाद फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, हम लोग बनाते ही रहते हैं, हम लोग रुकते नहीं है। हाँ, रोज शूट करते हैं हम लोग। अगर आपने सभी वीडियोस देखे हैं तो नीचे स्क्रॉल करें, जल्द ना नीचे स्क्रॉल करें, वीडियो आएगा। पुराने वीडियोस देखे। हाँ ये आइडिया अच्छा है। बिल्कुल, और हमारे वीडियो पर बहुत सारा लाइक और कमेंट करें ताकि हम और भी ज्यादा वीडियो बना सकें। एक बार वीडियो देखने के बाद दूसरी बार भी देखा करो, थोड़े डिटेल्स आपको देखने मिलेंगे अच्छे वाले। हाँ क्या इसमें हंसने वाली क्या बात है? मान लो कि कब कई बार गिर चुका है, कंफर्म करता है। तो अगला कमेंट। हेलो, मैं वाकारे हूँ, मैं लुथियानिया में रहती हूँ। मुझे आपके वीडियोस बहुत पसंद है। मैंने आपको अभी 6 महीने पहले देखना शुरू किया, लेकिन मैं एरियल, चीना, कैसी, जेज और इवा से प्यार करती हूँ। इसके अलावा मुझे किटी पसंद है और बाकी सभी शानदार। और आपके वीडियोस इंग्लिश सीखने का अच्छा आइडिया है। शुक्रिया क्रेजी घर, हमें बहुत खुशी है कि आपको सीखने में मदद करते हैं, हम इंजॉय करते हैं। मैं हेलो बोलना चाहूँगा, क्या कंट्री था वो? लिथुआनिया। आप सभी लोगों को प्यारा सा हेलो। अगला कमेंट। तो अगला कमेंट लिखा है, मेरे माँ और पापा का तलाक सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं और असभ्य चीजें करते हैं, और अब मेरी माँ हमेशा रोती रहती हैं और नए लोगों को ढूंढ रही हैं और पापा से लड़ती हैं। वो कितना ज्यादा ड्रामा है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अब सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती ही है, पर हमें उससे लड़के उससे आगे निकलने की कोशिश करते रहने चाहिए। हाँ, ताकि हम लोग जीवन अच्छे से जी सके, ठीक है ना? क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ नया होते रहना चाहिए, और इसीलिए तो हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि आप लोग इंजॉय करें, हंसते रहें और हैप्पी रहें, और क्या पॉजिटिव रहें। और हम लोग तो आपसे प्यार करते ही। दिल ले लो आप। हाँ बहुत ज्यादा।
और हमारी ओर से नया कमेंट मुझे नहीं पता, शायद एक अमीर स्कूल में दो जुड़वा बहनों की वीडियो। हम लोगों ने उसका ज्यादा शूट नहीं किया ना, जैसे हम लोग करने वाले थे। आप लोग भी मिस करते हो क्या? ए, देखो क्या कमेंट आया, लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्मार्ट। और ओ, मैं बता दूं, हमारी तरह से अग्री है, हमारी जो लड़कियां हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल परी जैसी है ना। क्या हम लोग तो जल कर सीरियस है, कॉम्प्लीमेंट हमें मिला है, ठीक है? हाँ तो फिर गाइस, कोई ज्यादा या कम नहीं है, हम सभी लोग बहुत सुंदर हैं, खूबसूरत लोग हैं। अब हमारा अगला कमेंट है, हेलो क्रेजी घर वालों, मेरा नाम है एहलाम और मैं आप लोगों से बड़ा ही प्यार करता हूँ। कल मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि क्रेजी घर वाले मुझे विश कर दे मेरा नाम लेकर, आई लव यू। तो गाइस तुम लोग समझ गए होंगे क्या करना है अब, और हम क्या क्या करें। तुम कमाल के हो, आप कूल हो, हमें आपसे प्यार है, हमारे पास ऐसा ही है। और इसी के साथ अगला कमेंट है डैनियल गॉर्डेंको, एक न्यू वीडियो आइडिया, मुझे जिंदा रहने के लिए वैम्पायर बनने का नाटक करना पड़ेगा। वैसे इतना बुरा नहीं है, अच्छा आइडिया लगा मुझे तो। हाँ, कसम से बता रहा हूँ मैं, ये आइडिया याद रखेंगे हम। कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर वीडियो बना सके हम लोग, मजा आएगा। आप हमें आइडियाज लिखते रहिए, हम आपके आइडियाज पर वीडियो जरूर शूट करेंगे। और आप कहेंगे कि आपने सोचा और हमने बस शूट किया, बस यही। वीडियो जैसे ही आएगा हम लोग डेडिकेट करेंगे तुम्हें। मेरे पास लेरा का कमेंट है, आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग व्लॉग्स को इतना पीछे क्यों रखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में कैसी और नेट का क्या हुआ पता नहीं चला। और हाँ गाइस आई लव यू, क्या बोलूं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अरे हाँ, व्लॉग वाली बातें क्लियर कर दूं मैं, आप लोगों को अगर व्लॉग देखना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, वोट कीजिए, हाँ अगर चाहिए तो और नहीं, अगर नहीं चाहिए तो। और मैं भी व्लॉग के फेवर में हूँ, और बात रही कैसी और नेट की तो उनके बारे में हम लोगों ने कुछ अच्छा सोचा है, और देखना एक ना एक दिन तुम जान जाओगे। वीडियो के दौरान हैरी ने कितनी बार आंख मारी आप ये बताइए कमेंट में लिख के। बस ऐसे क्लिक किया, समझे यार। गाइस देख लो ऐसे आंख मारता हूँ मैं। और तो दोस्तों आज का आखिरी कमेंट, सभी क्रेजी घर एक्टर्स को हेलो, मुझे नहीं पता मैं आपके लिए अपने प्यार को कैसे जताऊं, क्या आप मुझे अप्रैल को ग्रीट कर सकते हैं प्लीज। कमेंट लिखने के लिए शुक्रिया। ये लो, हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। अब जब प्यार व्यार की बात हो रही है तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग आपसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और हम लोग कोई ना कोई बहाने से आपको हंसाने की कोशिश करते हैं। लव यू। सही में आंख मारी? अरे नहीं भूल गया, आप लोगों के लिए आओ एक बार और करें, 1 2 3 और अब हमारा खत्म हो रहा है। तो प्लीज कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटा बजाना मत भूलना, ग्रे होना चाहिए, हमारे टिकटॉक को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह जो ऐप मिले सबको सब्सक्राइब कर लो यार। यहाँ और अब ब्लू पास्टर्स। टीना, अरे हंसी किस बात की आ रही है तुम्हें, बहुत हंस रही हो। हाँ, टेक करो। मैं ओ, ये सीरियस लगी। तुम्हें हायर पोजीशन पर प्रमोट नहीं कर सकते। गले लगाओ ताकि मैं तुम्हें दूर धकेल सकूं। कौन वो? कोई नहीं है। क्या कौन? तो तुम चाहती हो मैं इस भिखारी का मैं कोवा टीना के माता पिता को ना अमीर दामाद चाहिए था तो फिर मैं देखो मैं कहती हूँ कि एक अमीर बॉयफ्रेंड तो ये कैसा रहा पागल हो गया है।